गूगल पे जाके फ्लैक्स बॉक्स लिखा तो हमारे पास ये एक आर्टिकल आ गया सी एस एस ट्रिक्स के नाम से, और इस आर्टिकल का नाम है अ कम्प्लीट गाइड टू फ्लैक्स बॉक्स। तो इस आर्टिकल से जो है ना हम फ्लैक्स बॉक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, हमने तीन क्लासेस में इसको कवर किया है जो HTML और CSS वाला पार्ट है, जिसमें से पहली क्लास में मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन दे दिया था और आपको मैंने बता दिया था कि वो कैसे HTML को आपने जो है ना खुद से फिर ग्रिप लेनी है उस पर। दूसरी क्लास में मैंने आपको CSS बता दिया था और CSS को लगाना हेलो वर्ल्ड उसका बना के इंट्रोडक्शन देके, और आगे का रास्ता आपको मैंने दिखा दिया था कि जी आगे आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको खुद से आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये वाली आज हम कवर करने लगे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बाकायदा यहाँ पर पढ़ा दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फ्लैक्स बॉक्स करके आज हमारी जो तीन क्लासेस हैं उसमें ये HTML और CSS हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो हम शुरू करेंगे JavaScript। ठीक है, ये आपके कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, बट ये मैं समझता हूँ कि तमहीद के लिए ज़रूरी है, तो ये तमहीदी पढ़ाई है आपकी जो भी हो रही है। अच्छा, अब क्या है ये फ्लैक्स बॉक्स भाई? फ्लैक्स बॉक्स लेआउट स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल, आप इसको कह लें फ्लैक्स जो है ना वो स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉक्सेस की बात हो रही है, फ्लैक्स बॉक्स जो है ना। अच्छा, और ये क्या है? लेआउट करने का तरीका है। अच्छा, लेआउट कौन बताएगा कि अंग्रेजी में लेआउट किस चीज़ को कहते हैं? और कोई बताया जी, लेआउट अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि फ्लैक्स बॉक्स लेआउट है ये। और लेआउट जो है अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, लेआउट का मतलब होता है, वैसे तो ले बोलते हैं लेटे हुए होने को, क्या ना कि मतलब कोई चीज़ किस तरह से बिछी हुई है, किस तरह से रखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। अच्छा, इस क्लास का जो लेआउट है वो ये है कि जी अच्छा फ्रंट पर ये स्टेज लगा हुआ है और यहाँ पे एक टीचर बैठा हुआ है, साथ में प्रोजेक्टर है और एक रो इस तरफ लगी हुई, एक रो इस तरफ लगी हुई, दैट्स ये एक लेआउट है क्लास का। ठीक है, इस लेआउट को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, मे बी हम ये कर दें कि जी दो रो की जगह हम तीन रो लगा दें, एक रो दो रो तीन रो ऐसे करके लगा दें, तो लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। या मे बी टीचर को उस कोने में बिठा दिया जाए तो आप सबकी चेयरें घूम के उस तरफ, तो ये लेआउट है कि जी क्या चीज़ कहाँ पर होगी। तो एक वेबसाइट जो होती है ना, एक HTML का पेज जो होता है उसका भी क्या होता है? एक अदद लेआउट होता है। अच्छा, वो कैसा होता है लेआउट दिखने में? ठीक है, कुछ इस तरह का हो सकता है कि जी ऊपर एक हेडर होगा, उसके बाद एक नेविगेशन बार होगा, एक तरफ मेन्यू आ रहा होगा इस तरफ और इधर स्क्रीन दिख रही होगी, लास्ट में वो फुटर होगा। ठीक है, इस तरह का लेआउट हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ अनदर लेआउट, ये एक मुख्तलिफ लेआउट है पहले वाले से। ठीक है जी, मैं वो लिखूँगा ना वायर फ्रेम, तो फिर ये मुझे ना कुछ, हाँ देखो इस तरह का लेआउट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का लेआउट भी हो सकता है। अब उसने देखें गैलरी टाइप का कुछ बना हुआ है कि जी इधर टॉप पे हेडर है और हेडर के अंदर ही नेविगेशन बार है, हेडर के अंदर ही नेविगेशन बार एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, उसके बाद ये इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक कह लें कंटेनर बना के, और उसके अंदर जो है ना अपना टैग लाइन लगाया हुआ है, सर्च बॉक्स भी उसी के अंदर बना हुआ है, उसके बाद फिर नीचे टाइल्स हैं, एक टाइल है, दो टाइल है, या कार्ड्स कह लें इसको आप, कार्ड्स बने हुए हैं छः, काइंड ऑफ गैलरी जैसा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा एक लेआउट जो है ना इटसेल्फ, ये जो वेबसाइट खुली हुई है इसका भी तो एक लेआउट है ना, ऊपर हेडर है, हेडर के अंदर ही सर्च बॉक्स है, नीचे सारी की सारी टाइल्स बनी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, तो हर पेज का ना कोई लेआउट होता है कि जी इसको होना कैसा चाहिए। तो ये हमें समझ आ गया कि जी लेआउट अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, और फिर लेआउट वेब पेज का जो लेआउट होता है वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये एक मॉड्यूल है जिसको अक्टूबर 2017 में जो है ना ऐड किया गया है,
एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू ले आउट, ठीक है, इसका जो मकसद था इस मॉड्यूल को सीएसएस में ऐड करने का या इस मॉड्यूल को बनाने का, वो क्या था कि एफिशिएंट वे प्रोवाइड किया जाए, क्या करने के लिए, लेआउट को बनाने के लिए। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि एफिशिएंट किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेज़ी में? जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो वो एफिशिएंट है। अच्छे तरीके से कर ले, जल्दी कर ले, नहीं प्रॉपर वर्किंग, नहीं तुम तो साइंस के बंदे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, स्पेस साइंस में तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी का ही चक्कर है सारा। कितने लोग यहाँ पे जो वो साइंस की किसी ना किसी ब्रांच से उनका ताल्लुक है, यानी कंप्यूटर साइंस या जो भी साइंस होता है? अच्छा, मैं अगर यहाँ, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, सही ना? ये आपसे मैं ओपिनियन ले रहा हूँ आपका, इसमें अगर कोई गलत जवाब भी दे रहा है तो कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ से पूछता हूँ तो आप गूगल करके भी बता सकते हैं, ठीक है? यानी एफिशिएंट को अंग्रेज़ी में एफिशिएंट का क्या मतलब होता है ये आप जल्दी से गूगल करके भी बता सकते हैं। तो जिनके आगे ये पढ़ा है लैपटॉप, ज़रा करो जल्दी से गूगल के व्हाट डज इट मीन बाई एफिशिएंट या एफिशिएंसी, व्हाट इज़ एफिशिएंट? कारकर्दगी को तो कहते हैं, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बोल रहे तुम। नहीं तो तुमने ये कहा कि मोर एफिशिएंट, क्या कहा तुमने? कारकर्दगी को कहा तुमने ना? हाँ, तो अब एक मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट को क्या कहेंगे, अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका? नहीं, तुमने कहा कि एफिशिएंट जो है वो कारकर्दगी है, तो एक मोर एफिशिएंट के लिए क्या बोलेंगे, फिर लेस एफिशिएंट के लिए क्या बोलेंगे? आप जैसे चाहते हैं वैसा आपके रिजल्ट दे, और टाइम वेस्ट ना करें आपका। करीब करीब बताया इसमें, परफेक्शन, ऑर्गेनाइज नहीं यार, ऑर्गेनाइज तो कुछ और होता है। किसी चीज़ की जो कारकर्दगी है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है तो वो उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तुमने भी करीब करीब जवाब दिया है, काफ़ी करीब करीब जवाब दिया है बहुत तुमने। हाँ भाई, और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा? मोर इफेक्टिव, तुमने भी करीब करीब बात की है काफ़ी। ये है एफिशिएंसी का मतलब, कि कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। अच्छा, एफिशिएंसी, चलो मैं समझा देता हूँ। क्या नाम है दोस्त आपका? उसामा। उसामा, यार पहले तो उसामा के लिए क्लैपिंग हो जाए, ठीक है? उसामा ने सही जवाब दिया है। देखो, एफिशिएंसी क्या होती है? अच्छा, ये वर्ड मैं इसलिए इस पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड अगर समझ नहीं आया ना तो ये डेफिनेशन ही समझ नहीं आएगी कि ये फ्लैक्स बॉक्स का चक्कर है क्या। एफिशिएंसी हम कहते हैं, जैसे दुनिया की जितनी भी मशीन्स है ना, उसमें क्या होता है, एक तरफ से हम इनपुट देते हैं, दूसरी तरफ से हमें आउटपुट मिलता है। जैसे सीज़र है, कैंची जो है वो एक सिंपल मशीन है, उसमें एक तरफ से हम हाथ से पकड़ के मैं दबाता हूँ तो दूसरी तरफ से आउटपुट निकलता है कि वो चीज़ कट जाती है, ठीक है? इसी तरह आप एक गाड़ी है या एक इंजन है, उसमें एक तरफ से फ्यूल डालते हैं और वो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अब जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ, अगर एग्जैक्टली मुझे उतना ही आउटपुट मिल जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड 100% एफिशिएंसी, ठीक है? ये 100% एफिशिएंट है कि जितना इसको मैं इनपुट, यानी जितना ज़ोर लगाता हूँ कैंची पे मैं, उतना आगे से वो काट देता है, ठीक है? अगर ये इक्वल है कि जितना इनपुट देता हूँ उतना ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये 100% एफिशिएंसी होता है। अच्छा, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में, ये पॉसिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 50%, 60%, 70%, जो अच्छे से अच्छा भी इस वक्त इंजन मार्केट में मौजूद है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50-60% होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है।
ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे 1 लीटर फ्यूल अगर इंजन में जाता है तो उसमें से आधा फ्यूल कन्वर्ट हो पाता है, आधा फ्यूल उस प्रोसेस में ज़ाया हो जाता है। ठीक है, ये मतलब जो स्मोक निकलता है साइलेंसर से पीछे, उसमें आधा फ्यूल उससे स्मोक के ज़रिए बाहर निकल जाता है, इस्तेमाल नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं, अच्छा जी, जैसे पावर बैंक्स में आजकल आपने देखा होगा लिखा होता है कि जी वो 90% एफिशिएंसी। तो 90% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर वो 10,000 mAh का पावर बैंक है, 10,000 mAh इसमें स्टोर होता है, तो जब आप उससे फ़ोन को चार्ज करेंगे ना, तो वो 9,000 mAh आउटपुट देने के काबिल है। यानी किसी फ़ोन में अगर मिसाल के तौर पे 5,000 mAh की बैटरी है, तो एक दफ़ा तो वो फुल हो जाएगा, अगली दफ़ा वो फुल नहीं होगा, 80% पे शायद आके रुक जाएगा, तो वो 9,000 आउटपुट देगा। क्योंकि वो कन्वर्जन जो है ना, उसमें वो ज़ाया हो जाती है चीज़। यानी जब पावर बैंक से निकल के जब फ़ोन में जा रहा होता है वो एनर्जी, तो दरमियान में कन्वर्जन होती है, उसमें वो ज़ाया हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज ये इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। अच्छा, तो इसी तरह आप, यानी बंदे की एफिशिएंसी भी होती है, किसी इदारे की भी एफिशिएंसी होती है। बंदे की एफिशिएंसी क्या होती है यार, कि जो है ना कम पैसों में अच्छा काम करके दे रहा है अगर वो, तो उसको हम समझते हैं कि यार एफिशिएंट बंदा है। या कोई एम्प्लॉय है, वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, यानी जितनी उसको सैलरी मिलती है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा काम कर रहा है, या उसके साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनके मुकाबले में अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम कहते हैं यार ये एफिशिएंट बंदा है। ठीक है, और ना सिर्फ एफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कि अच्छा जी, अगर कोई काम है ना, उसने कोई बंदा 2 घंटे में करता है, इसने कोई शॉर्टकट निकाल लिया जिससे वो काम 1 घंटे में हो जाता है, तो इसको भी हम एफिशिएंसी काउंट करते हैं कि जी ये बंदा बड़ा एफिशिएंट है, ये काम को ऐसे करता है कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकलना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी कि जी 50% है, 100% है, ऐसे करिए। अच्छा, अब ये जो इसने बात की है ना, एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट। अच्छा, मोर एफिशिएंट का मतलब ये है कि लेआउट तो बनाने का तरीका सीएसएस में पहले भी मौजूद था, लेकिन अब ये जो तरीका आपको बता रहा है ना फ्लैक्स बॉक्स, ये मोर एफिशिएंट है, यानी इसमें आपकी मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी। लेआउट तो बनेगा वही जो पहले बनता था, इसमें थोड़ी सी मेहनत कम लगेगी, जो इसका एम था इसको बनाने का, कि एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए, यानी कम कोडिंग हो या कम मेहनत में आपकी यूआई बन के तैयार हो जाए। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर। के अच्छा, एक तो लेआउट बने, दूसरा जो अलाइन हो जाए, यानी अलाइन का मतलब है कि लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, या दरमियान में अलाइन हो जाए, और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग द आइटम इन अ कंटेनर। कि किसी भी कंटेनर में जो है ना, कि जो आइटम्स हैं वो स्पेस जो डिवाइड हो उसके अंदर, और जो वो अलाइन हो रहे हो आइटम उसमें, इस चीज़ को मेनली ये टारगेट करता है। क्योंकि लेआउट बनता ही इसी तरीके से कि जी एक कंटेनर होगा, मिसाल के तौर पे हेडर है अगर, तो हेडर में क्या होता है कि जी एक कॉर्नर पे आपका लोगो पड़ा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे वो नेव बार पड़ा हुआ है, तो वो स्पेस दोनों के दरमियान में डिवाइड हुआ हुआ है, तो उस स्पेस को डिवाइड करना, या किसको लेफ्ट पे होना है, किसको राइट पे होना है, ये अलाइन, तो इन चीज़ों को वो मेनली टारगेट कर रहा होता है। तो इसने कहा कि जी एफिशिएंट वे टू लेआउट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर इवन व्हेन देयर साइजेस आर अननोन और डायनेमिक। कह रहे हैं कि एक तो ये होगा कि जी मुझे पता है 1,000 पिक्सल की स्क्रीन है, तो उसमें तो मैं कहूँगा अच्छा यार इसको 10 पिक्सल पर इसको खड़ा कर दो, और 50 पिक्सल से आगे मैंने 500 पिक्सल से आगे किया, तो मुझे लगेगा अच्छा यार ये तो सेंटर में हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन व्हाट इफ़ स्क्रीन का साइज़ चेंज हो जाए, स्क्रीन का साइज़ छोटा हो जाए, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का जो साइज़ होता है वो 400-450 पिक्सल होता है, तो अगर मोबाइल की स्क्रीन पे खुलेगा तो वो स्क्रीन से ही बाहर हो जाएगा जिसको मैंने 500 पिक्सल पे सेट किया। ठीक है, अगर स्क्रीन की जो चौड़ाई है अगर 1,000 पिक्सल थी ओरिजिनली, मैंने किसी चीज़ को सेंटर में करने के लिए उसको 500 पिक्सल पे दरमियान में लाके खड़ा कर दिया, तो जब स्क्रीन छोटी होगी वही वेबसाइट जब एक मोबाइल फ़ोन पे खुलेगी तो वो चीज़ स्क्रीन से बाहर हो जाएगी सेंटर होने के बजाय। तो इसने कहा कि ये फ्लैक्स बॉक्स ना उस सूरत में भी काम करता है जब हमें स्क्रीन का जो साइज़ है ना, या कंटेनर का साइज़ है, ये जिस कंटेनर की बात कर रहे हैं कि जी एक कंटेनर के अंदर आइटम्स जो है अलाइन हो जाएंगे, आपस में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन उस कंटेनर की विर्थ अगर हमें नहीं पता, या विर्थ उसकी डायनेमिक है, चेंज होती है, तो उसके बावजूद हम उसके अंदर आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं इसके जरिए। अच्छा जी, द मेन आइडिया बिहाइंड फ्लैक्स लेआउट इज़ टू गिव द कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम। अब ये तो इसने इंट्रो दे दिया ना, ऊपर डेफिनेशन बता दी,
अब ये बता रहा है कि ये काम करता कैसे है असल में, जब हम फ्लैक्स बॉक्स को अप्लाई करते हैं तो ये काम करता कैसे है। तो ये काम कैसे करता है कि जी टू गिव कंटेनर द एबिलिटी, जो इस कंटेनर पे, किसी भी कंटेनर पे हम कहते हैं ये फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है जो हमने कल की क्लास में देखा था ना कि CSS हर चीज़ को बॉक्स के तौर पर ट्रीट करता है, हर चीज़ को वो समझता है कि एक बॉक्स है वो। तो ये उस बॉक्स की बात हो रही है, उस कंटेनर उसको कह रहा है ये, ठीक है। तो जो हमने डिव करके मार्कअप हमने देखा था, डिव का जो मार्कअप होता है वो उसमें इटसेल्फ वो कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हम रख रहे होते हैं, ठीक है। पहले अभी हम वो कोडिंग करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि वो जो कंटेनर है ना आपका, जो जो चकोर चकोर बॉक्सेस जिसको CSS एज अ बॉक्स एज अ कंटेनर ट्रीट करता है, ये उस कंटेनर को क्या दे देता है ये। अच्छा, उसी कंटेनर पे हम लगाते हैं कि जी ये कंटेनर मेरा क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है। तो उसको एबिलिटी दे देता है कि वो अल्टर कर सके, चेंज कर सके अपने आइटम्स को, अपने अंदर मौजूद जो उसके चिल्ड्रन है ना उनको वो अल्टर कर सके। क्या क्या कुछ अल्टर कर सके, उसकी विड्थ हाइट, ठीक है, टू बेस्ट फिल द अवेलेबल स्पेस, मोस्टली टू अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, स्क्रीन साइजेस। अच्छा, तो वो कह रहा है कि उसकी विड्थ हाइट को जो है ना वो चेंज कर सकता है अवेलेबल स्पेस को फिल करने के लिए। और मोस्टली क्या होता है कि वो डिफरेंट साइजेस जो स्क्रीन है उसमें, ज़ाहिर है उस कंटेनर का साइज़ चेंज होता है, तो वहाँ पर ये सही रहता है। अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड आइटम्स टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस। अब कह रहा है कि वो वाला कंटेनर जिसको मैंने बोल दिया है कि ये कंटेनर एक फ्लैक्स कंटेनर है या एक फ्लैक्स बॉक्स है, वो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है अपने आइटम्स को, यानी अपने अंदर मौजूद चिल्ड्रन को। एक्सपेंड का मतलब है कि उसकी चौड़ाई या लंबाई को बढ़ा सकता है, टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस, जो भी उसमें अवेलेबल स्पेस है उसमें इक्वली डिवाइड मारने के लिए आइटम को बड़ा भी कर सकता है वो, और श्रिंक देम टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, उसको छोटा भी कर सकता है कि वो कंटेनर से बाहर ना निकल जाए। कंटेनर के अंदर अगर कंटेनर छोटा होता है तो उन आइटम्स को वो दबा के छोटा करने की भी काबिलियत आ जाती है उसमें, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा फ्लैक्स बॉक्स है ना वो इस आइडिया के ऊपर काम कर रहा है कि कंटेनर को हम क्या एबिलिटी दे देते हैं कि वो अपने डायरेक्ट चिल्ड्रन को उससे छेड़छाड़ कर सके, उसको किसी भी तरह की उसमें चेंजेस कर सके, उसके ऑर्डर को चेंज कर सके, उसकी विड्थ हाइट को चेंज कर सके, उसके स्पेस किस तरह से उसमें डिवाइड होगा इस चीज़ को कंप्लीटली कंट्रोल कर सके। अच्छा, एक यहाँ पे लाइन इन्होंने और लिखी है बड़ी ज़बरदस्त, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट इज़ डायरेक्शन एग्नोस्टिक एज अपोज टू रेगुलर लेआउट। कह रहे हैं कि यार फ्लेक्स बॉक्स में ना डायरेक्शन पे चल रहा होता है ये, ठीक है। हम डायरेक्शन बताते हैं और उस डायरेक्शन के ऊपर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अनलाइक के ब्लॉक विच इज़ वर्टिकली बेस्ड एंड इन लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टली बेस्ड। तो अब ये कह रहे हैं ना कि जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास CSS में ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ होते हैं इन लाइन होते हैं। वो हमने शायद डिस्कस नहीं हुई थी ये बात, लेकिन वो ज़ाहिर है वो बुक अब पूरा बहुत सारी चीज़ें हैं CSS में। तो जैसे H1 होता है, उसको हम जब लिखते हैं तो वो नई लाइन में स्टार्ट होता है, अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देता वो, तो वो ऐसे ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा होता है अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लिखें तो। अगर हम इन लाइन एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि स्पैन है, जैसे कि बोल्ड का टैग है, जैसे कि इमेज है, ये सारा इन लाइन एलिमेंट्स हैं, तो ये चलते हैं लेफ्ट टू राइट स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन जो फ्लेक्स बॉक्स है ना उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी होगी, वाइल दोज वर्क वेल फॉर पेजेस दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी टू सपोर्ट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ओरिएंटेशन चेंजिंग रिसाइजिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। तो बहरहाल फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि हम डायरेक्शन बता देते हैं कि जी आपकी वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, तो वो जो डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर है ना कि जी H1 अगर मैंने चार लगाए लाइन से तो वो टॉप टू बॉटम चल रहा होता है उसका डायरेक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर मैंने बोला है ना कि भाई लेफ़्ट टू राइट, तो कोई सा भी एलिमेंट लिखूंगा लेफ़्ट टू राइट ही चलेगा वो, या मैंने अगर कह दिया कि टॉप टू बॉटम, तो कोई सा भी एलिमेंट लिखूंगा तो वो टॉप टू बॉटम ही चलेगा। अच्छा, तो ये हमने ना इसकी थ्योरी और इसकी जो काइंड ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ ली कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये बाकायदा कोडिंग
बताना शुरू कर दिया इसने। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स जो है ना कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का एक मुरक्कब है जिनको एक साथ ही काइंड ऑफ ऐड किया गया। सीएसएस में ये पहले शामिल नहीं था, इसको पहले लाइब्रेरी के ज़रिए हम किया करते थे। अच्छा, तो सबसे पहली जो ये बात बता रहे हैं ना, अच्छा आप गौर से अगर इसको देखेंगे ना, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ ज़रा, तो ये इस आर्टिकल में ना दो कॉलम्स बने हुए हैं। एक लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना, आप देखें ये पर्पल पर्पल करके इसने बनाया हुआ है, और राइट वाला जो है थोड़ा येलो येलो है। अच्छा, अब लेफ्ट कॉलम के ऊपर ना वो वाली प्रॉपर्टीज़ लिखी है इन्होंने, उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई है जो कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स का मतलब है वो उसी कंटेनर की बात हो रही है, ये किसी डिव की बात हो रही है, क्योंकि HTML में जैसा हमने देखा था कि जब CSS लगती है जब किसी भी HTML के एलिमेंट पे, तो वो HTML के एलिमेंट वो चकोर चकोर बॉक्सेस के तौर पे उसको दिख रहा होता है, CSS को नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो ये CSS उसको चकोर चकोर बॉक्सेस के तौर पे देख रहा होता है, ठीक है। अगर हम किसी वेबसाइट पे जाके ना, जैसे इसी पे हम राइट क्लिक करके ज़रा इंस्पेक्ट का बटन दबाते हैं, और इंस्पेक्ट का बटन दबा के ना ये वाला जो टूल है इसको सेलेक्ट एन एलिमेंट, इसको दबा के इसको मैंने प्रेस किया तो एक ब्लू हो गया ये। अब मैं जाके क्या करूँगा, किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे हाथ रखूँगा ना, देखो चकोर चकोर बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ अ बॉक्स, चाहे वो कोई हेडिंग हो, चाहे वो कोई छोटा सा टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, चाहे वो कोई कोड लिखा हुआ यहाँ पे, हर चीज़ असल में एक बॉक्स है। तो ये तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम ये कर रहे होंगे फ्लैक्स बॉक्स बनाते हुए कि एक कंटेनर बनाएंगे, और हम उसको कंटेनर पे जो लगने वाली प्रॉपर्टीज़ है ना, वो यहाँ पे इन्होंने एक तरफ पूरी बताई है। अच्छा, अब उसके अंदर मौजूद जो चाइल्ड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं उसके अंदर मौजूद, हम उस पर क्या कर रहे होंगे, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आइटम पे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आइटम पे लगने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इन्होंने डिस्कस की है ना, कंटेनर पे लगने वाली, ठीक है, ये डॉट कंटेनर आपको पता है क्लास सेलेक्टर है, ये लास्ट हमने पढ़ा था, इस पर डिस्प्ले लगाएंगे और फ्लैक्स लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं होता, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन होता है, जो H1 वगैरह है ब्लॉक उस पर वो ब्लॉक लेवल होता है, और जो इनलाइन है उस पर इनलाइन होता है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, कि भाई इसको फ्लैक्सीबल बॉक्स के तौर पर या फ्लैक्सीबल कंटेनर के तौर पर ट्रीट किया जाए। जैसे ही ये हम लिखेंगे तो वो कंटेनर एक फ्लैक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से होगी कहानी शुरू। अच्छा, अगर मैंने ये बात नहीं लिखी तो नीचे की मज़ीद कोई प्रॉपर्टीज़ उस पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल बॉक्स होगा ही नहीं जब, तो उस पर फ्लेक्सिबल बॉक्स वाली जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो काम नहीं करेंगी। अच्छा, तो आ जाते हैं जी, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब इमेजिन करो कि एक डिव है, उसके अंदर उसके चार चिल्ड्रन हैं, या उसमें चार इमेजेस हैं, या चार कोई भी चार उसमें मज़ीद एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो मैं उस डिव को क्या बोलता हूँ जाके, कि आप हो जाओ फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ आप। डिस्प्ले फ्लैक्स होने के बाद क्या होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, कंटेनर पे एक और प्रॉपर्टी लगाने के काबिल हो जाऊँगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, फ्लैक्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन में चार इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा हम थोड़ा थोड़ा कोड भी करते जाते हैं। अच्छा, इसको मैं बना लेता हूँ, फ्लैक्स बॉक्स के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, ये जो पहले का हमारा सारा लिखा हुआ कोड है ना, इसको मैं एक
ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया इसको, जो पहले का कोड हमने लास्ट क्लास में लिखा था उसको मैंने वन करके अंदर डाल दिया इसमें, और टू फ्लैक्स बॉक्स करके ना मैंने इसको इधर कर दिया। मैंने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक पेज बना लिया, ठीक है, और इस पेज पे मैंने क्या कर लिया, एक बेसिक एच टी एम एल लिख दिया है यहाँ पर। एच वन लिखा मैंने, मैंने कहा जी फ्लैक्स बॉक्स इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब मेरे पास है एक अदद डिव, और इस डिव में मेरे पास क्या है, चार इमेजेस हैं मे बी। अब इमेजेस हम कहाँ से लाएं, इमेज यहाँ पे, हाँ ये बिल्डिंग की इमेज है ना, इसी को ज़रा हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, ये इमेज का पूरा फोल्डर जो था ना वो मैंने इस फ्लैक्स बॉक्स वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करके यहाँ पे रख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं इस डिव के अंदर चार इमेज का यहाँ पे टैग बनाने लगा हूँ, और हर इमेज के टैग में मैं ये जो बिल्डिंग की इमेज है ना ये लगा दी मैंने, ठीक है। अब ज़रा इसको मैं देख लेता हूँ कि मुझे ये दिख रहा कैसा है स्क्रीन पे। हाँ ये कंटेनर है, ये एच टी एम एल का एक मार्कअप है। आई होप के आपने वो देखा होगा मार्कअप, जब एच टी एम एल के सारे टैग्स मैंने आपको कहा था कि एक्सप्लोर करना है आपने और इससे आपको एक सी वी बनानी है, तो उस वक्त होपफुली आपने डिव देखा होगा। लेकिन डिव एक ऐसा एलिमेंट है जो इटसेल्फ, जैसे इमेज के नाम से एक एलिमेंट है, इमेज लगाने के काम आता है। एच वन है उसमें आप कोई हेडिंग लिखते हैं, डिव क्या होता है कि आप रैप करने के काम आता है, जस्ट एज अ कंटेनर उसको इस्तेमाल किया जाता है इटसेल्फ। उसमें आप कुछ नहीं लिखें तो भी इशू नहीं है, वो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर फिर। अच्छा जी, विर्थ मैंने इस पर 200 पिक्सल लगा दिया। अच्छा ये विर्थ इस काम के लिए होता नहीं है, मैंने ये सी एस एस में भी जिक्र किया था, एच टी एम एल में भी बल्कि जिक्र किया था कि ये विर्थ हम क्यों लगाते हैं, ये विर्थ हम जितना इमेज का साइज़ होता है उतना ही हम लगाते हैं। इमेज को छोटा करना इसका काम नहीं है, जो मैं अभी कर रहा हूँ राइट नाउ इसको इमेज को छोटा करने के लिए मैंने ये लगाया है, ये इसका काम नहीं है, ठीक है। ये मैंने इमेज को छोटा करने के लिए फ़िलहाल लगाया है। इमेज का क्या होता है कि जितने साइज़ की इमेज स्क्रीन पे चाहिए होती है उतने ही साइज़ का आप यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है। और उसका हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था होपफुली कि जब हम वेबसाइट को लोड करते हैं तो अगर इस पर ये विड्थ का टैग लगा हुआ होता है और हाइट का टैग लगा होता है तो वो अपनी स्पेस छोड़ के लोड होता है, अदरवाइज़ क्या होता है सारी वेबसाइट ऊपर ऐसे चपकी हुई होती है और आहिस्ता आहिस्ता इमेज लोड होती है ना तो एक एक करके ऐसे ऐसे नीचे आता है वो। तो इस फेनोमेना को अवॉइड करने के लिए ये टैग, ये एट्रीब्यूट लगाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली वही विड्थ और वही हाइट होनी चाहिए जो उस इमेज की एक्चुअल इमेज विड्थ और हाइट है। अच्छा जी, मैंने रिफ़्रेश किया। अच्छा, इसका जो कंटेनर है वो मुझे दिख नहीं रहा अभी, है ना, ये जो डिव है मुझे, ये डिव मुझे दिख नहीं रहा अभी राइट नाउ। तो इस डिव को देखने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर स्टाइलिंग कुछ अप्लाई कर लेता हूँ। ये इनलाइन, ये इंटरनल स्टाइल शीट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनल स्टाइल शीट इज़ नॉट रेकमेंडेड, अलग से फ़ाइल बना के जो स्टाइल शीट लगाते हैं वो तरीका रेकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ही पेज पे मुझे स्क्रॉल करके ना पढ़ाने में आसानी होगी। अच्छा, मैंने कहा कि जी डिव जो है ना, डिव डॉट कंटेनर, अच्छा डिव डॉट कंटेनर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सिर्फ डिव लगाऊंगा तो सब पे लग जाएगा, तो मैं इस डिव पे आके ना एक क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है, और डिव डॉट कंटेनर करके मैं इस पे जो भी स्टाइलिंग है वो लगाऊंगा। अच्छा, डिव डॉट कंटेनर पे मैंने कहा कि जी बैकग्राउंड कलर जो है ना आपका वो क्या हो जाए, वो हो जाए लाइट ब्लू टाइप का कुछ हो जाए। अच्छा, ये हो गया, अब वापस आता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मुझे अब क्या देखने लग गया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना इस डिव का। अच्छा, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो आप देखें इसके अंदर कंटेंट तो कम है इस डिव के अंदर, लेकिन ये डिव खुद आखिर तक जा रहा है, ठीक
है, ये खुद कहाँ तक जा रहा है, आखिर तक जा रहा है ये। अच्छा, अब ये हमने देख लिया। अब एक मसला है इसमें, एक मसला ये है कि जब इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इमेज तो सारी एक जैसी है। तो मैं इस इमेज को हटा के ना इस पर कुछ और लगाने की कोशिश करता हूँ। इस इमेज को हटा के इस पर ना एक पैराग्राफ, बल्कि H1 लगा देता हूँ मैं, ताकि वो क्लियरली मुझे दिखे कि उसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें ना H1 करके चार आइटम लगा दिए, ये चार आइटम मैंने इस पर लगा दिए। अच्छा, इमेजेस जो था वो क्योंकि इनलाइन एलिमेंट था तो वो एक दूसरे के पड़ोस पड़ोस में आता जा रहा था, लेकिन आप देखें ये H1 जो है ना, ये क्योंकि खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये अपने लाइन में किसी को आने नहीं दे रहा है। अच्छा, इस H1 को भी मैं क्या कर देता हूँ, इस H1 को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ये देखने के लिए कि ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा कि जी H1.item, ठीक है, कि वो H1 जिस पे आइटम वाली क्लास लगी हुई है उस पे ये स्टाइल अप्लाई करना है। और मैंने कहा कि जी बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए एक्वा। अब आप देखें मुझे दोनों का जो है ना बैकग्राउंड कलर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे दोनों की विड्थ और हाइट सारी चीज़ें दिख रही हैं कि क्या चीज़ कहाँ तक जा रही है। अच्छा, Item 1, Item 2, Item 3 और Item 4, इसको मैं थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। अच्छा, पैडिंग क्या चीज़ होती है कि जो मेरा कंटेनर है ना, देखो अभी कंटेनर के एजेस से ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ये बिल्कुल टॉप और लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कंटेनर से बाहर निकला हुआ है, हालांकि ये बाहर नहीं है, लेकिन कंटेनर के ये एज के बिल्कुल साथ ये शुरू हुआ है और ऊपर वाले एज के भी बिल्कुल साथ चिपक के शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें फ़ासला देना होता है, इसके लिए मैं पैडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपने कंटेनर पे जाके जो मेरा कंटेनर है उस पर मैं बोलता हूँ कि जी पैडिंग 5 पिक्सल में भी, ताकि वो 5 पिक्सल जो है ना, ये 5 पिक्सल यहाँ से दूर हो गया। ठीक हो गया जी, एक मिनट, मैंने पैडिंग जब इस तरफ दी है तो ऊपर से ज़्यादा और इस तरफ से कम क्यों हो रहा है? नहीं, H1 तो पहले भी था, H1 तो पहले भी था, ऊपर ज़्यादा क्यों आ रही है, इधर कम क्यों आ रही है? अच्छा, वो मार्जिन जो है ना इस पे H1 पे बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगा हुआ है, जब तक वो पैडिंग नहीं दिया था तो वो मार्जिन बाहर जा रहा था स्क्रीन से, और जब इसको दे दिया है पैडिंग तो ये अब मार्जिन पूरा अंदर आ रहा है। ये हेडिंग पे पहले भी मार्जिन मौजूद था लेकिन वो कंटेनर से बाहर जा रहा था, उसको वो काउंट नहीं कर रहा था। वेल, चलो पैडिंग दे दी मैंने उसको। अब मेरे पास यहाँ तक का काम तो सही हो गया, अब लेकिन मुझे ये करना है कि इस आइटम को मैंने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। अब ये काम मैं CSS में कर सकता हूँ, और भी तरीके हैं, लेकिन हम क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स को पढ़ रहे हैं तो फ्लैक्स बॉक्स से ये काम कैसे होगा, मैं इस कंटेनर पे आके बोलूँगा, ये जो कंटेनर है मेरा इस पे आके मैं बोलूँगा कि भाई आप हो जाओ क्या डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने जैसे ही किया, आप देखें ये लेफ़्ट टू राइट हो गया पूरा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये लेफ़्ट टू राइट क्यों हुआ है, ये लेफ़्ट टू राइट इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे अगर हम आएंगे ना, एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स है, दूसरा फ्लैक्स डायरेक्शन है, वो मैंने दिया नहीं है अभी तक, लेकिन खुद से वो राइट टू लेफ़्ट हो गया। क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया है कि जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना फ्लैक्स डायरेक्शन की, वो होती है रो, रो होता है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा, तो ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है ये फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। अच्छा, चेंज कर सकता हूँ मैं, रो रिवर्स कर सकता हूँ तो ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ कॉलम, तो कॉलम क्या होगा जी कि टॉप टू बॉटम चलेगा ये, और कॉलम रिवर्स जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ चलेगा। तो मैं इस पर कॉलम रिवर्स लगा के देखता हूँ अभी, है ना, कि कॉलम रिवर्स से क्या होता है। अब मैं इस पर क्या बोलूँगा, कंटेनर पर ही बोलूँगा मैं
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स का मतलब है कि आइटम नंबर वन जो पहले टॉप पे आता था, नहीं टॉप से बॉटम था ना ये बाई डिफॉल्ट, अब वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा होगा। सही है, रिफ्रेश किया मैंने तो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो क्या है, वो रो है। ठीक है, और रो को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वो होता ही रो है, तो रो को मैं हटा भी दूंगा तो वो इसका बिहेवियर सेम ही रहेगा। ये मेरा काम हो गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझे अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का चक्कर ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी तो देखें ना आप, चार आइटम हैं। अब चार आइटम की जगह मेरे पास अगर 400 आइटम हैं तो ज़ाहिर है वो एक लाइन में तो नहीं आएंगे, अल्टीमेटली उसको नीचे रैप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन को ज़रा छोटा कर लेता हूँ मैं, स्क्रीन को मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप देखें क्या होता है, अभी जब इसको मैं छोटा करता हूँ ना स्क्रीन को, तो वो रैप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या होती है, नो रैप। नो रैप जो वो डिफ़ॉल्ट है। और दूसरा इसमें क्या है, रैप है और रैप रिवर्स है, तीन इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जो रैप सीधा सीधा है वो तो ऐसे होगा कि ये लाइन ख़त्म हुई तो अगली लाइन से ये शुरू हो जाएगा, और रैप रिवर्स में क्या होता है कि जी फ्लेक्स आइटम विल रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि टॉप टू बॉटम के बजाय बॉटम से टॉप की तरफ ही जाएगा। तो इस पर अगर मैं लगा दूँ कंटेनर पे आके, कि आप क्या हो जाओ, फ्लेक्स रैप जो है वो रैप हो जाओ, तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको जगह कम होगी ना, या रिफ्रेश किया मैंने, जैसे ही जगह कम होगी ये नीचे जाने लग जाएगा। तो आमतौर पर जब गैलरी वगैरह टाइप की चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल रहता है। ठीक है, जो गूगल फ़ोटोज़ जो है उसमें जो गैलरी बनी हुई है वो काइंड ऑफ इसी तरह की चीज़ उसमें इस्तेमाल हुई हुई है कि जी जगह कम होगी तो वो हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मज़ीद कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ ना, 5-6 11 आइटम्स टोटल इसमें आ चुके हैं मेरे पास, रिफ़्रेश किया मैंने। अब देखो जितनी जगह होगी ना लाइन में उतने आइटम को ये दिखा देगा यहाँ, और उसके बाद वालों को ये नीचे कर देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी और हमारे पास क्या आइटम है, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो जो है ना वो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का ना शॉर्ट हैंड है, यानी दोनों आइटम एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब साथ साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखें तो भी एक ही बात है, अलग अलग हमने भी लिख के देखा। उसके बाद जी हमारे पास है जस्टिफाई कॉन्टेंट। जस्टिफाई कॉन्टेंट का काम क्या होता है कि जी, अच्छा ये भी कंटेनर पर लगने वाले प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं। ठीक है, हम अभी तक जो ये लेफ़्ट कॉलम है ना टॉप से पूरा नीचे तक चल रहा है, तो इसको हम देख रहे हैं। इसमें जस्टिफाई कॉन्टेंट के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसका काम क्या होता है, कंटेनर पर लगाता हूँ मैं, और कंटेनर पर लगा के ये चार में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर तो मैं सेलेक्ट करता हूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लेक्स स्टार्ट, तो तमाम के तमाम जो आइटम है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी फ्लेक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ मूव कर जाते हैं। फ्लेक्स एंड हो सकता है, सेंटर हो सकता है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड हो सकता है, स्पेस इवनली भी हो सकता है। अच्छा, तो हम आते हैं जी स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में डिफरेंस ये है कि स्पेस अराउंड में ना जो एजेस हैं, देखो जो भी अवेलेबल स्पेस है, मिसाल के तौर पे इनका डिस्टेंस 100 है, 100 है, तो इधर 50 है और इधर 50 है जी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल इवन है, इधर जितना है उतना ही इनके दरमियान भी है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने नीचे, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी जो आपका स्पेस अराउंड है ना, आइटम्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइन विद इक्वल स्पेस अराउंड देम, नोट दैट विजुअली स्पेस आर नॉट इक्वल सिंस ऑल आइटम हैव इक्वल स्पेसेस ऑन बोथ साइड, फर्स्ट आइटम विल हैव 1 यूनिट ऑफ स्पेस, 1 यूनिट ऑफ स्पेस अगेंस्ट द कंटेनर एज, बट 2 यूनिट्स ऑफ स्पेस बिटवीन द नेक्स्ट आइटम। यही बात की है इसने, कह रहा है कि अगर इमेजिन करें कि अगर ये एक यूनिट है ना, तो इन दोनों आइटम के दरमियान में 2 यूनिट होंगे, और वो जितना अवेलेबल स्पेस होगा उसको वो डिवाइड करेगा इवनली। ठीक है, इसमें अगर ये वाला 2 यूनिट है तो ये भी 2 ही यूनिट होगा, जो साइड उसका डबल होगा। अभी वो हम लगा के भी देखेंगे, आप खुद भी लगा के देखेंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या है।
ठीक है जी, तो हम अब आते हैं इसको ज़रा जस्टिफाई कंटेंट करते हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट हमारा जो अभी राइट नाउ जो हुआ हुआ है वो कौन सा हुआ हुआ है? फ्लेक्स स्टार्ट। अच्छा, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है फ्लेक्स स्टार्ट। अगर हम ये नहीं लगाते हैं प्रॉपर्टी तो फ्लेक्स स्टार्ट बाई डिफ़ॉल्ट होगा। तो फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है कि तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन हुई भी होती हैं, तो हमारे पास भी ऐसा ही है, लेफ़्ट की तरफ अलाइन हुई है सारी वैल्यूज। अब मैं इसको जितना भी छोटा करूँगा, इसको मैं जितना भी छोटा करूँगा ना, ये लेफ़्ट की तरफ अलाइन हुआ हुआ होगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जस्टिफाई कंटेंट, ये सारा कंटेनर वाला भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट कर सकता हूँ मैं कि स्पेस अराउंड, ये कर सकता हूँ मैं स्पेस अराउंड किया मैंने, तो आप देखें सबके दरमियान में स्पेसेस आ गए और इन्होंने स्टिल इवनली किया हुआ है। अभी भी जगह कम होगी तो आएगा नीचे ही ये, ठीक है, जगह कम होगी ना तो देखिए नीचे आएगा, लेकिन अगली लाइन में भी इवनली डिवाइड किया है इसने स्पेस अराउंड को, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से आपका गैलरी जैसा शेप बन के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी इन आइटम्स के दरमियान में ना ये क्या होता है, समटाइम बिल्कुल चिपक जाते हैं, समटाइम बहुत दूर हो जाते हैं ये, तो इसको इतना चिपकने से बचाने के लिए तो इसको मुझे मार्जिन वगैरह टाइप की चीज़ देनी होगी, या मुझे उसको पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी पैडिंग नहीं लगी हुई है। पैडिंग क्या होता है कि जी ये जो आइटम है ना, इस वक्त ये आइटम क्या है, ये H1 है, H1 एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें कुछ टेक्स्ट होता है, हमेशा बगैर टेक्स्ट के नहीं आता है H1। तो इस H1 को अगर मैं दूंगा ना पैडिंग, तो ये जो H1 का जो बॉक्स है पूरा का पूरा, इसके एजेस से जो पूरा टेक्स्ट चपका हुआ है, ये एजेस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, अंदर थोड़ी जगह बन जाएगी, ठीक है। पैडिंग आप फ्रिज का जो डब्बा हम खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रिज दरमियान में होता है बॉक्स के, और चारों साइड पे पैड्स लगे हुए होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कुशन होता है वो, तो पैडिंग जो है वो असल में उसको कहते हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये जो आइटम 6 है ना, ये फ्रिज है, और इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ, यानी टॉप से इसको मैं देख रहा हूँ। एक तो बंदा खड़ा होता है ना सामने फ्रिज रखा हुआ, उस व्यू से नहीं देख रहा मैं, टॉप व्यू से, जिसको हम कहते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है बंदा। तो आप इमेजिन करें कि आइटम 6 जो है ये फ्रिज है, और इसके अराउंड जो है ना वो एक बॉक्स रैप हुआ हुआ है, लेकिन इसमें अभी वो कुशन वाइट वाले डालने की जगह नहीं है, है ना, ये क्योंकि फ्रिज बिल्कुल अपने बॉक्स से चिपका हुआ है, जो पैकेजिंग से चिपका हुआ है। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा ना पैडिंग लगा देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा भाई कि क्या कर दो आप। अच्छा, वो मैं किसको बोलूँगा, वो H1 को बोलूँगा मैं, पैडिंग 0.5 EM, ठीक है। तो ये देखो अपने दीवारों से ना दूर दूर हो गया। अच्छा, 1 EM जो होता है ना, वो 1 M जितना फासला जो होता है ना, उसको 1 EM कहते हैं, ठीक है। 1 M की जो भी विर्थ होती है यूं हॉरिजॉन्टली, तो ये जो साइज़ है, ये जितने भी पिक्सल बनता है, इसको 1 EM कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव साइज़ देने के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। तो हाँ, एक EM होता है, एक REM होता है। EM जो होता है ना, वो अपने कंटेनर, यानी जिस कंटेनर पे मैं ये लगा रहा हूँ, उस कंटेनर में जो M का साइज़ होता है ना, वो 1 M का साइज़ कहलाता है 1 EM। और एक होता है REM। REM क्या होता है कि जी इस कंटेनर से ताल्लुक नहीं होता उसका, वो बॉडी के साइज़ को देख रहा होता है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने H1 पे लगाया है, तो H1 में जो M का साइज़ है वो मेरा ख्याल है कि 32 पिक्सल है, ठीक है। तो ये 32 का आधा करेगा, 0.5 लगा तो 32 का आधा, लेकिन मैं REM लगाऊंगा ना तो वो बॉडी के साइज़ को देखता है। बॉडी का साइज़ बाई डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, तो जैसे मैं इसको REM करूँगा ना तो देखना थोड़ा कम हो जाएगा ये, हैं नहीं, मतलब उसका जो फॉन्ट साइज़ उसमें लगा हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो साइज़ होगा ना फॉन्ट का, तो बॉडी का जो साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 होता है, अगर आप उसको चेंज ना करें तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि REM क्या देखता है, बॉडी के साइज़ को देखता है, अपने कंटेनर के साइज़ को नहीं देखता। तो बॉडी का साइज़ इस वक्त 16 है, क्यों 16 है, बॉडी में तो कोई M लिखा हुआ नहीं है, जो बॉडी का जो बेसिक साइज़ है उसमें कोई M नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका फॉन्ट साइज़ जो इस वक्त सेट हुआ हुआ है वो 16 पिक्सल है, ठीक है। तो मैंने इसको REM दे दिया। अच्छा, अब ये पैडिंग तो आ गई इसमें, लेकिन ये बॉक्सेस अभी भी आपस में बहुत चपक रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको पैडिंग के साथ साथ मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा
मार्जिन भी मैंने दे दिया इसको 0.5 REM दे दिया, ठीक है। तो ये अब थोड़ा दूर दूर हो गए, अब ये उतना ज़्यादा नहीं चिपकेंगे जितना पहले ये चिपक जाते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल एक चीज़ मौजूद है जो मुझे देखो अगर मैं इन आइटम्स पे अगर मैं हवर करता हूँ ना तो मुझे हल्का सा जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना वो है मार्जिन, और जो हल्का सा ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है पैडिंग, और जो ब्लू शेड जिस पे आ रहा है वो एक्चुअल अंदर का उसके कंटेंट है। अच्छा, तो ये हमने ना काइंड ऑफ एक क्या बना दिया, एक गैलरी टाइप का एक लेआउट हमने बना दिया यहाँ पे। अच्छा, आ जाते हैं अब अगली प्रॉपर्टी, इसमें क्या है हमारे पास, जस्टिफाई कंटेंट हमने देख लिया, उसके बाद है अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम क्या चीज़ है कि जी दिस डिफाइन डिफॉल्ट बिहेवियर फॉर हाउ आइटम्स आर लेड आउट अमंग द क्रॉस एक्सेस ऑफ द करंट लाइन। कि जी अब अभी तो हमारे केस में हम देखें ना तो सारे आइटम की जो हाइट है वो एक जैसी है, इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे किसी आइटम की हाइट ज़्यादा हो किसी की कम हो, जैसा कि इन्होंने इसमें दिखाया है, तो उसको कैसे अलाइन किया जाए, ऊपर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, या दरमियान में, या स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया जाए, क्या करें उसके बाद। तो ये स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे बताते हैं, हम कहते हैं कि जी कंटेनर पे ही लगा देते हैं अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू स्ट्रेच है, अगर कोई भी आइटम इसमें साइज़ में यानी हाइट में बड़ा या छोटा होगा ना तो उसको ये खींच के एक बराबर कर देगा, लेकिन इसमें से कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, अलाइन कॉन्टेंट, अलाइन कॉन्टेंट क्या होता है जी के दिस अलाइंस फ्लेक्स कंटेनर लाइन्स विद इन वेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द क्रॉस एक्सेस सिमिलर टू हाउ जस्टिफाई कॉन्टेंट अलाइन इंडिविजुअल आइटम्स विद इन द मेन एक्सेस। अब ये कह रहा है कि जी एक तो ये होगा ना कि आपका जो कोई एक आइटम है अगर उसकी हाइट कम या ज़्यादा है तो ये बात हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें जो पर्पल कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, इस पूरे बॉक्स की जो हाइट है ना वो सबसे ज़्यादा हाइट वाले आइटम से भी ज़्यादा है, सही है। मिसाल के तौर पे मेरा जो ये पर्पल वाला है जो कंटेनर है इसकी हाइट 500 पिक्सल है। अच्छा, आम तौर पे क्या होगा कि जैसे डिव है, ये पर्पल वाला अगर कंटेनर है ना तो ये डिव हो सकता है। अब डिव का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो ये होता है कि जितना उसके अंदर आइटम होगा ना उतनी ही उसकी हाइट होगी, अपने कंटेंट पे टाइट रहता है डिव बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसी सूरत हाल सिर्फ उस वक्त होगी जब मैं डिव को हाथ से बाय डिफ़ॉल्ट यानी एक्सप्लिसिटली उसको मैं हाइट उसकी बढ़ाऊँ तब ये होगा, अदरवाइज़ ये वाला काम कभी भी नहीं होगा। अगर मेरे आप इस वाली ऐप में आके देखें तो आप देखें जहाँ तक आइटम है ना ये वहीं तक रहता है, अगर आइटम कम होंगे तो ये छोटा भी हो जाता है, लेकिन अगर मैं ये करूँ इस डिव को यहाँ जाऊँ और इस पे स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा होता है, और इस पे स्टाइल अप्लाई करके ना मैं उसको बोलूँ कि यार आपकी जो हाइट है वो हो जाए 600 पिक्सल, तो ये मेरा कंटेनर बड़ा हो गया हाइट में। अच्छा, और कंटेनर की हाइट बड़ा होने की वजह से आप देखें क्या हुआ कि अलाइन आइटम की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी ना स्ट्रेच, वो अप्लाई हुई भी थी पहले भी, हमें दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ जी फ्लेक्स स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये कुछ इस तरह का दिखेगा फ्लेक्स स्टार्ट होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे साथ साथ ये भी लगा देता हूँ कि जी अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, तो अब देखें ये टॉप पे जो है ना अलाइन हो गया। अच्छा, लेकिन टॉप पे अलाइन तो ये हो गया, लेकिन आप नोट करें ये इसके जो लाइंस है ना वो दूर दूर आ रही है, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर मैं अलाइन टॉप मैंने बोला है तो उसको तो टॉप पे हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस पे ये लगा हुआ है ना हमारे पास स्पेस अराउंड, तो वो स्पेस को इवनली को डिवाइड करने के चक्कर में ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, तो अब हेयर इट कम्स अलाइन कॉन्टेंट। तो अभी हमारे पास जो अलाइन कॉन्टेंट हुआ हुआ है ना वो कौन सा हुआ हुआ है, वो समथिंग लाइक दैट हुआ हुआ है, स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन इनमें से कोई हुआ हुआ है।
अच्छा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इन्होंने यहाँ लिखी हुई होगी ना, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी। नॉर्मल में नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो है ही नहीं इसमें। आइटम्स आर पैक्ड इन देयर डिफॉल्ट पोजिशन और नो वैल्यू वॉज सेट। वेल तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अगर फ्लैग से स्टार्ट करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, तो अलाइन कॉन्टेंट करके हम इसको क्या कर देंगे, अलाइन कॉन्टेंट करके हम इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, फ्लैक्स एंड कर देंगे तो नीचे हो जाएगा। तो किसी भी कंटेनर के अंदर ना हम जैसे मर्जी चाहें चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसके ज़रिए, फ्लैक्स बॉक्स वाली अप्रोच के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, उसको मैं कोड में भी लगा दूँ। सही, कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा एक दो ऐड की थी यहाँ पे ना, और क्या किया था मैंने, हाइट 600 कर दिया था, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या करके देख लिया, ज़रा एक ओवरव्यू ले लिया कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है और वो क्या करती है। अच्छा, अब ये गैप करके भी चीज़ मौजूद है, जो हमने उसको मार्जिन दिया ना अलग से, उसके जगह पे गैप भी दे सकता था मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मार्जिन है मेरा, कहाँ गया जी मार्जिन, इस मार्जिन को मैं अगर हटा देता हूँ, ठीक है, इस मार्जिन को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो क्या हो जाता है, ये आपस में ना चपक जाते हैं सारे, और जब अब स्पेस कम होगा ना तो ये बिल्कुल एक दूसरे में बिल्कुल चपकेंगे और फिर ये लाइन चेंज करेंगे। अच्छा, तो इसकी जगह पे ना अगर मैं, यानी फ्लैक्स बॉक्स की अप्रोच के मुताबिक ये क्या हुआ, इसमें से कौन सा चलता है, अच्छा तो फ्लैक्स बॉक्स की अप्रोच के मुताबिक ना अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना करीब ना आए, तो एक तो तरीका मार्जिन है, मार्जिन से तो एलिमेंट ही बड़ा हो जाता है, इनविजिबल, एक उसके उसके अंदर एक 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 विड्थ आ जाती है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि जी क्या हो जाओ आप, गैप हो जाओ, क्या था, फ्लैक्स गैप था या सिर्फ गैप था, अच्छा गैप, रो गैप और कॉलम गैप, ठीक है दोनों है, तो मैं सिर्फ गैप लगा देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जी 0.5 EM जो मैंने पहले लगाया था वही मैंने अभी भी लगा दिया, ठीक है, बल्कि REM लगाया था मैंने, ठीक है, वो बॉडी से उसको देख के लगाया था। तो ये भाई अब क्या होगा, ये इतना मैक्सिमम इतना करीब जाएगा, इससे ज़्यादा करीब ये नहीं जाएगा, ठीक है, तो मार्जिन वाला काइंड ऑफ ये काम हो गया। अच्छा जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि आइटम पे लगने वाले जो आइटम्स हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा, एक है जी ऑर्डर, कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जी 5 आइटम हैं, 1 से लेके, मिसाल के तौर पे 1 से लेके मेरे पास 5 तक 5 आइटम हैं। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स आइटम आर लेड आउट इन द सोर्स ऑर्डर, कि जिस सीक्वेंस में मैंने कोडिंग में उसको लिखा है ना वो उस सीक्वेंस में ही दिखेगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हाउएवर ऑर्डर प्रॉपर्टी कंट्रोल द ऑर्डर विच दे अपेयर इन द फ्लैक्स कंटेनर। अब किसी एक आइटम पे मैंने बोला कि ये मुझे ना नंबर 3 पे दिखना चाहिए, नो मैटर वॉट के वो है किधर, मुझे वो नंबर 3 पे दिखना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कोड में और मैं लास्ट वाले पे जाके ना एक क्लास लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ मैं, ऑर्डर, हाँ सिर्फ ऑर्डर लगा देता हूँ। अब इधर आके मैं कहता हूँ कि जी h1.order, के वो वाला h1 जिस पे ऑर्डर वाला टैग लगा है उस पे क्या लगा दो, ऑर्डर लगा दो और 3 लगा दो, तो ये अब तीसरे नंबर पे दिखेगा नो मैटर व्हाट। पहले ये 11th नंबर है ना, अब ये उठ के क्यों नहीं आया, नहीं ऑर्डर ही था ना, ये प्रॉपर्टी का नाम गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही तो लिखा है, क्लास से दो तो लगे हैं, आइटम ऑर्डर कर लिया। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, अगर मैं एच वन ही हटा दूँ, मैं सिर्फ ऑर्डर पे लगाऊँ तो
नहीं वो हम कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं वो 11 तो इधर लिखा हुआ आ रहा है ना। नहीं ये आइटम अलग है ऑर्डर अलग है, दो क्लास लगी हुई है उसमें, स्पेस सेपरेटेड ना, हम एक से ज़्यादा क्लासेस इस पर लगा सकते हैं। ठीक है वेल ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। ऑर्डर की स्पेलिंग तो सही लिखी है मैंने, ऑर्डर कोडिंग में क्या मिस्टेक है? हम एक काम करते हैं फर्स्ट पे ज़रा फर्स्ट लगाते हैं और फिर हम उस पर लगाते हैं थ्री, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ये फर्स्ट है, मैंने कहा कि जी जो फर्स्ट होगा ना उसका ऑर्डर होगा वन। सही है फर्स्ट का ऑर्डर तो है वन। ठीक है ये वन हो गया और ये थ्री हो गया, बाकियों को किसी को ऑर्डर नहीं मिला हुआ तो वो माइनस में चल रहा है या वो ज़ीरो पे चल रहा है। सही है ज़ीरो ऑर्डर है उनका बाकियों का सबका। और इसको अब सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये तमाम के तमाम आइटम्स हैं ना इसको मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा मे बी वन, कि सब वन हो जाए। अच्छा सब वन हो जाए और ये वाला हो जाए टू, हाँ फर्स्ट को मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा, ज़ीरो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर वन जितने होंगे वो सारे उसके बाद आएंगे, फिर जो थ्री होगा वो उसके बाद आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये शुरू में, ये सारे के सारे दरमियान में और ये लास्ट में, बट इस 11 वाले आइटम को मैंने लाना है नंबर थ्री पे। अब ये मैं कैसे करूँगा, इसको नंबर थ्री पे लाना है, तो इसको नंबर थ्री पे लाने के लिए ना यानी टू तक तो सही है लेकिन थ्री से लेके टेन तक वाले को मैं क्या देना पड़ेगा, ऑर्डर थ्री से बड़ा देना पड़ेगा कुछ, जब भी थ्री वाला उधर दिखेगा मुझे। अभी इन सब का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वन है। ठीक है जी तो ये कैसे करूँगा मैं, इन सब पे कोई ना कोई मुझे ज़ाहिर है क्लास देनी पड़ेगी। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो फर्स्ट का मैंने ज़ीरो रखा है सेकंड तो सही है अपनी जगह, सेकंड तो कुछ नहीं करना मैंने, जो थर्ड है ना उसका मुझे ऑर्डर बढ़ा देना है ताकि वो आगे चला जाए, इसका मैं ऑर्डर कर दूंगा फोर। अब इसका मैं ऑर्डर कर देता हूँ फोर, थर्ड का मैंने ऑर्डर बढ़ा दिया है। ऑर्डर टू दे इसको, ऑर्डर को और इसको भी, अब ये तो ऊपर वाला थ्री, ऊपर वाला थ्री आया। एक मिनट यहाँ से देखते हैं ना किसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है वन, इसका भी वन है, इसका भी वन है, अब इन सबका वन कैसे, फर्स्ट का भी वन है। अच्छा वो समझ आ गया क्या चक्कर है, नहीं नहीं वो चक्कर ये है कि ये मोर स्पेसिफिक है ना तो ये अप्लाई हो जा रहा है सब पे, तो ये सब पे आइटम्स की क्लास, ये वो CSS जो कैस्केड होता है ना वो इस तरह होता है कि जो जनरल रूल है उसकी वो कम होती है इसकी ज़्यादा है, मतलब ये H1 डॉट आइटम लगा हुआ है ना तो ये मोर स्पेसिफिक रूल है तो ये अप्लाई हो जा रहा है, ये वाले नहीं हो पा रहे अप्लाई।
ठीक है, तो मुझे सबके साथ ही H1 लगाना पड़ेगा, मुझे सबके साथ H1 ऐसे लगाना पड़ेगा, या तो मुझे सबसे हटाना पड़ेगा या तो सबके साथ लगाना पड़ेगा। अब सही हुआ, सही है। अब हमारे पास जो H1 है इसका ऑर्डर 0 है, इसका 1 है, इसका 4 है, सही है, लास्ट में आ गया ये। और इसका जो है वो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारे 1-1 चल रहे हैं अभी। ये 2 है, और जो ये लास्ट वाला है ये जो है ना ये 3 है, ये ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये आ रहा लास्ट में। वेल, तो इसकी मुझे कभी शायद ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने शायद खुद भी फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ाया ही है, सिर्फ यूज़ में बहुत कम आया है ये, ठीक है, ऐसे क्योंकि एक एलिमेंट को उठा के ऊपर नीचे करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही होती है। अच्छा, इसी तरह फ्लैक्स ग्रो है कि कोई एक आइटम है उसको मुझे ज़रा ज़्यादा स्पेस देना है, ठीक है, तो फ्लैक्स ग्रो बाई डिफ़ॉल्ट होता है 1, कि जी सबको इक्वल स्पेस मिलेगा, किसी एक को मैं 2 कर दूंगा तो उसको डबल स्पेस मिलने लग जाएगा। अच्छा, फ्लैक्स श्रिंक है उसके अलावा, फ्लैक्स बेसिस है उसके अलावा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप इसको ईज़िली बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि ये क्या है। हमारे पास एक फ्लैक्स अलाइन सेल्फ है। अलाइन सेल्फ क्या करता है कि जैसे पूरी की पूरी हमने लाइन देखी थी ना कि उसको ऊपर या नीचे कर देते हैं हम, कहाँ था वो, ये वाला अलाइन आइटम, इसके पूरे के पूरे को ऊपर या पूरे को नीचे। अब मिसाल के तौर पर इन सबको मुझे नीचे रखना है, बट इस छोटे आइटम को मुझे टॉप पे करना है अगर, तो मैं फिर पूरे कंटेनर पे नहीं लगाऊंगा, कंटेनर पे तो फ्लैक्स एंड ही लगेगा, लेकिन इस आइटम पे स्पेसिफिकली मैं जाके लगा दूंगा कि भाई आप ना अलाइन सेल्फ हो जाओ, फ्लैक्स स्टार्ट या फ्लैक्स एंड, ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट या फ्लैक्स एंड या सेंटर, इसको मैं किसी एक आइटम को मैं चेंज कर सकता हूँ। वेल, तो अब हमारे पास जो टाइम है वो क्या है भला, कि हम एक छोटी सी एग्जांपल बना के और इसको हम फाइनलाइज करें। छोटी सी एग्जांपल बनाने के लिए मेरे पास एक ड्राइंग ऐप है, वो खोल लेता हूँ मैं, और ड्राइंग ऐप खोल के ना हम एक बनाने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा लेआउट एक वेबसाइट का, ठीक है। एक वेबसाइट का हम लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं, एक इमेजिन कर लो मेरे पास स्क्रीन है डब्बा, एक इमेजिन कर लो ये मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन है एक, ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है ना मुझे अब क्या चाहिए, मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे, मुझे एक अदद हेडर चाहिए ऐसा, ठीक है, और इस हेडर के नीचे मुझे चाहिए, इस हेडर के नीचे जो है ना मुझे इस तरह की एक बॉडी चाहिए, सही है, और इस हेडर के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस जगह पे मुझे एक लोगो चाहिए, ठीक है, और इसके पड़ोस में मुझे मुझे इसके पड़ोस में एक इस तरह से नेविगेशन बार चाहिए, ऐसा ही होता है क्लासिक वेबसाइट का एक क्लासिक लेआउट हम बना रहे हैं ये। अच्छा, फिर बॉडी के अंदर मुझे क्या चाहिए भला, बॉडी के अंदर भी हम कुछ लगा लेते हैं एक दो चीज़ें। बॉडी के अंदर जो है ना मुझे चाहिए, एक अदद मुझे ना ऐसे चाहिए इमेज, और उस इमेज के सामने मुझे चाहिए एक अदद टेक्स्ट कुछ इस तरह से, सही है, एक हेडिंग लगी हुई हो और उसके बाद नीचे उसके साथ जो है ये इस तरह से एक पैराग्राफ लिखा हुआ, ये मुझे एक लेआउट इस तरह का बनाना है, ठीक है। किससे बनाना है मुझे, ये फ्लैक्स बॉक्स से अगर मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा
बेहतर रहेगा और आसानी से बन जाएगा, एफिशिएंटली इसको मैं बना पाऊँगा। हाँ हाँ फ्लैक्स बॉक्स के अलावा भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। फ्लैक्स बॉक्स में उन्होंने पहले ही कह दिया ना कि जी ये क्या है, एफिशिएंट वे है। ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लोगो है और ये नैव बार है। ये नैव बार ऐसा क्यों हो गया? ठीक है जी, तो ये हमारा जी हमने सेट कर लिया कि हमने ये बनाना है। अच्छा, जब ये हमने सेट कर लिया है कि ये बनाना है, तो अब हमें पता है कि इसकी जो डिव की जो कौन सा डिव कैसे बनाना है वो हमें पहले पता चल गया। अच्छा, तो इसको बंद करके ना मैं एक क्या बना लेता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को तो मैं छोड़ देता हूँ यहीं पर जहाँ पर ये है। इसके साथ मैं एक और बना लेता हूँ कि जी ले आउट डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ। ठीक है, लेआउट डॉट एच टी एम एल में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स के नाम से मैं दूसरा पेज नहीं बना सकता। आपने जो बनाना है उसका नाम आपने इंडेक्स ही रखना है और उसको क्योंकि होस्ट करना है। इंडेक्स के अलावा कोई और नाम रखेंगे होस्टिंग काम नहीं करेगी फिर आपकी। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने ये बेसिक एच टी एम एल लिख लिया। अब बेसिक एच टी एम एल लिखने के बाद मेरे पास जो बॉडी है, जो बॉडी मेरे पास है वो ये पर्पल कलर से जो है वो बॉडी है एक्चुअली। अच्छा, तो अब बॉडी के अंदर मेरे पास क्या है, ये एक रेड डब्बा ये वाला है और नीचे एक रेड डब्बा ये वाला है, दो रेड डब्बे हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव ये बना लूँगा और इसके नीचे एक डिव ये बना लूँगा मैं। अच्छा, जो टॉप वाला डिव है वो एक्चुअली क्या है, जो ऊपर वाला रेड डब्बा है वो हेडर है मेरा। तो इस पर मैं क्या दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ हेडर, और नीचे वाला जो है मेरा वो क्या है, बॉडी यानी इसको कहते हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्टेंट। सही है, कॉन्टेंट है मेरा ये। अच्छा जी, अब हेडर के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, एक अदद लोगो और एक अदद नैव बार मौजूद है। अच्छा, तो मैं एक डिव बना दूंगा ये, इसको मैं क्लास दे दूंगा कि ये लोगो है, और इसी के साथ मैं एक और डिव बना दूंगा यहाँ जिसको मैं क्लास दे दूंगा कि जी ये नेविगेशन बार है। ठीक है, अच्छा अब मुझे लोगो के अंदर क्या चाहिए, एक अदद आई एम जी का टैग ऑब्वियसली, और मेरे पास जो भी इमेज अवेलेबल है मैं फ़िलहाल वही लगा देता हूँ इस पर, और मैं इसको फिर दे देता हूँ कि जी ये ना 70 पिक्सल लगा दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास जो इमेज अवेलेबल थी मैंने उसको उसी को एज अ इमेज प्लेस कर दिया। हालांकि आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, एक पी एन जी फॉर्मेट में अपने लोगो उठाना है और वो आपने प्लेस करना है। पी एन जी फॉर्मेट का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है आमतौर पर, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला। तो लेआउट जो एच टी एम एल में जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो तो इसी तरह ही होगा, फिर मैंने सी एस एस के ज़रिए उसका लेआउट सेट करना है कि कौन सी चीज़ किधर दिखेगी, कहाँ आगे पीछे होगी। अच्छा, नेविगेशन बार में मेरे पास क्या होगा जी, नेविगेशन बार में मेरे पास होगा ये यू एल और एल आई, और अंदर फिर एंकर टैग होगा बाकायदा कि जी किसको बटन दबाने से वो कौन से पेज पर लेकर जाएगा मुझे। ठीक है, तो अब ये इस यू एल और एल आई को फिर हम देखेंगे कि कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, कॉन्टेंट के अंदर मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास एक इमेज मौजूद है और उसके फ्रंट पे जो है हेडिंग और पैराग्राफ मौजूद है। अच्छा, अब ये ना ऐसे होगा नहीं काम, इसके लिए मुझे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उस बॉक्स को जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा दो जगह, लेफ्ट और राइट। उस बॉक्स को मुझे, चलो पहले हम हेडर को बनाते हैं, इस वाले को छोड़ते हैं अभी। ठीक है, कॉन्टेंट को हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं, इसको हम पेज को रन कर लेते हैं। अभी ये भाई इस तरह का दिख रहा है कुछ। अब इसको हमने बनाना है, जो हमने सोचा है वो बनाना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हेडर को ना, हेडर को हम वो कलर दे देते हैं जो हमने कलर वहाँ लगाया हुआ है, रेड। ठीक है, रेड का एक ख़ास शेड। इसका कलर कॉपी कैसे होगा, हाँ नहीं रेड तो है लेकिन ये रेड कलर का एक ख़ास शेड है। कॉपी करने का हिसाब किताब नहीं है भाई।
कलर को कॉपी नहीं कर सकते यार, ये क्या बात हो गई यार। कलर को कॉपी क्यों नहीं कर सकते? इसको हम इस कलर को कैसे कॉपी करें यार? ये फिग्मा जैम है, फिल नहीं, ये तो वो है ना, नो फिल ट्रांसपेरेंट। हाँ सर, वो जो रैम्बो का आइटम बनावा सकते रैम्बो लास्ट में फिल के अंदर सबसे। अच्छा हाँ, यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या खोला लेकिन इसने? ओके गॉट इट, यही तो मैं ढूंढ रहा था कि ये किधर है। अच्छा बैकग्राउंड कलर मैंने उसको ये वाला हैश कॉपी करके ना दे दिया है, सही है, ये इधर आ गया। अच्छा अब हेडर के अंदर मौजूद जो मेरे पास है ना डॉट लोगो, उसको मैं बैकग्राउंड कलर वही दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा कुछ इस तरह दिखने लग गया। अच्छा लोगो आप देखें, ये पूरी लाइन ले लेता है लोगो, लोगो ना शुरू से आखिर तक की पूरी लाइन को कैप्चर करता है। इसी तरीके से जो UL और LI है वो भी पूरी लाइन को कैप्चर कर रहा है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, नेव बार को भी मैं यही वाला कलर दे देता हूँ। अच्छा ये मैं कलर इसको क्यों दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चले कि जो है ना ये स्टाइलिंग कैसे और किस जगह पे करके अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें मेरा जो रेड कंटेनर है, जो हेडर है वो तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हेडर के अंदर जो दोनों चिल्ड्रन है ना इसके, उन दोनों को मसला है। उन दोनों को मसला क्या है कि वो दोनों पूरी पूरी लाइन ले लेते हैं और वो जगह ही नहीं छोड़ रहे। इन दोनों को बजाय पूरी पूरी लाइन लेने के साइड बाई साइड आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो ये वो नहीं कर रहे। अच्छा तो अब इसको साइड बाई साइड लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो इसका पेरेंट है ना, यानी इन दोनों का जो पेरेंट है, उसको मैं बोलूँगा भाई अपने बच्चों को संभालो। सही है, तो जैसे ही हम इसके कंटेनर यानी हेडर के ऊपर आ गए, हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये अपने चिल्ड्रन का कंट्रोल पूरा इसके पास आ जाता है। अच्छा ये सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन के पास आता है, ये भी एक नोट करने वाली बात है। यानी मिसाल के तौर पे हेडर के ऊपर जब मैं ये बात लगाता हूँ तो इसका जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है इसके, यानी कि ये दोनों, इनके ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर जो चिल्ड्रन है ना उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता इसका। जो फ्लेक्स बॉक्स का जो कंट्रोल है वो सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर होता है, चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड है उसके ऊपर इसका इम्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब मैंने इस नैव को, जब मैंने इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है ना, इस नेव सॉरी इस हेडर को मैंने जब फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, तो हेडर के अंदर ना दो चिल्ड्रन है, एक लोगो एक नेव, तो इन दोनों के ऊपर असर आया। इन दोनों के लिए क्या हो गया, फ्लेक्स की डायरेक्शन जो हो गई है वो लेफ्ट टू राइट हो गई है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें होती है, और जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लेक्स स्टार्ट है वो पूरा लेफ्ट की तरफ हुआ हुआ है, तो ये दोनों इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा लेकिन अगर अब मैं नेव को मज़ीद खोलूँगा अंदर, तो इसमें UL मौजूद है। ठीक है, UL के ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ है, UL के लिस्ट आइटम्स पे भी अप्लाई नहीं हुआ। आप देखें ये लिस्ट आइटम पूरी पूरी लाइन ले रहे हैं, जो भी उसको मिल रही है जगह ना पूरी पूरी लाइन उसकी कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो फ़िलहाल मुझे क्या करना है, फ़िलहाल मुझे यहाँ पे रहते हुए जो जो काम मैं कर सकता हूँ ना अभी, यानी इन दोनों, अच्छा इन दोनों को मैंने मज़ीद क्या करना है, यानी इस हेडर के जो डायरेक्ट दो चाइल्ड हैं इनके साथ मज़ीद मैंने क्या करना है, एक को मैंने कर देना है लेफ्ट पे अलाइन और दूसरे को मैंने कर देना है राइट पे अलाइन कर देना है। अच्छा तो ये मैं कैसे करूँगा, समझ के बताओ, ये खोल भी सकते हो डॉक्यूमेंट अपने सामने। अच्छा चलो तुम्हारे कहने पे करके देखते हैं, लेकिन ये इस तरह होगा नहीं। अच्छा तो मैंने कहा कि जी क्या करूँ मैं, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, अच्छा हो तो गया, ये हो तो गया क्योंकि दो ही आइटम थे।
सही है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस पूरे को अलाइन कर दूं राइट पे और फिर इस वाले को जस्ट बोलूं कि भाई आप अलाइन सेल्फ उस तरफ हो जाओ, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें अगर कहीं मसला आएगा तो फिर चेंज करेंगे, इसी अप्रोच के साथ चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मुझे अगला काम ये करना है कि ये जो बिल्कुल चपक जाता है ना, अपने एज पे जाके जो चपक जाता है, मैंने ये नहीं होने देना, थोड़ा इसको दूर करना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, हेडर में जाके मैं थोड़ी सी पैडिंग दूँगा, हेडर में थोड़ी सी पैडिंग दूँगा ताकि जो कंटेनर है उसमें पैडिंग लग जाए। अगेन मैं वो फ्रिज नहीं, इसके लिए पैडिंग अप्रोप्रिएट है यार। इसको साइलेंट कर दो यार, साइलेंट तो करो इसको, कॉल लेनी है तुमने, जाओ बाहर जाके दे दो। अच्छा, जब अंदर आओ वापस तो पीछे ही बैठ जाना, ठीक है। अच्छा, ये जो ये वाला जो काम है ना, इसके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो पैडिंग है, ठीक है। मार्जिन इसके अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मार्जिन कभी कभी ऐसा भी होगा, वो कब होगा वो आप देख लीजिएगा कब होता है वो। सम टाइम ऐसा होता है कि इस पर मैं मार्जिन लगाऊंगा ना तो वो बॉक्स के बॉर्डर से बाहर अपेयर होगा, मार्जिन बॉक्स के बॉर्डर के अंदर अपेयर नहीं होगा, ठीक है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हुआ भी था। इसी तरह एक मार्जिन कोलैप्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप पढ़िएगा अलग से कि वो क्या होता है। तो दो मार्जिन आपस में कोलैप्स भी हो जाते हैं, हालांकि पैडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो पैडिंग इसमें अप्रोप्रिएट है। तो आके मैं क्या करता हूँ, हेडर पे ना कुछ पैडिंग लगा देता हूँ। मैंने कहा कि यार 0.3 RM, ठीक है, थोड़ी सी मैंने पैडिंग दे दी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है अगला काम, जो EM है वो अपने कंटेनर के साइज़ को देखता है, अपने कंटेनर जिस कंटेनर में वो लगा हुआ है वहाँ पे जो फॉन्ट का साइज़ लगा हुआ है उसमें M का जो साइज़ है उसके जितना बड़ा 1 EM होता है, ठीक है। REM जो है वो सेम चीज़ है, मगर वो अपने कंटेनर के साइज़ को नहीं देखता बल्कि बॉडी के साइज़ को देखता है कि बॉडी में इस वक्त क्या साइज़ है, ठीक है। इसका जो मेजर बेनिफिट होता है वो कोई बता सकता है कि कहाँ पर होगा, मतलब पिक्सल और EM लगाने में क्या डिफरेंस है, जो लोग जिनको CSS आती है। नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिव में ऐसा क्या होगा, मतलब अगर मैं परसेंटेज में लगाता हूँ तो भी तो वही होगा। अगर मैं परसेंटेज में दे दूँ उसको या मैं जो है ना उसमें दे दूँ तो फ़र्क क्या होगा दोनों में। फिक्स वैल्यू तो होती है, लेकिन मैं परसेंटेज में भी तो दे सकता हूँ ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये EM और REM जो हम लगा रहे हैं ये हम लगाते ही क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस। दोस्त ने कहा कि रिस्पॉन्सिव है, तो रिस्पॉन्सिव में मैं परसेंटेज भी तो लगा सकता हूँ। अच्छा, REM और EM भी फिक्स वैल्यू ही होती है। अगर किसी को लग रहा है कि ये डायनेमिक वायनेमिक नहीं होती, होती है, भी फिक्स ही है भाई। ये इस कंटेनर के अंदर जो लगा हुआ है फॉन्ट का साइज़, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो वही रहेगा भाई। मैंने लगा दिया ना CSS में एक बार, भाई मैंने बॉडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है, मैंने बोला भाई 1 REM, तो 1 REM इज़ इक्वल्स टू 16 पिक्सल, दैट्स इट। ये चेंज नहीं होगा कभी भी। कब चेंज होगा ये, क्या होगा चेंज भाई, CSS थोड़ी अपडेट, मतलब कोई यूज़र जब मेरी वेबसाइट खोलेगा तो वो CSS को चेंज थोड़ी कर देगा या कर देगा जी। बिल्कुल सही बताया, ठीक है, ये इसका बेनिफिट होता है कि बॉडी का साइज़ देखो, मैंने तो रखा है 16 पिक्सल, लेकिन फ़ोन में ना ऑप्शन होता है अंदर कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मतलब सिस्टम की सेटिंग में जाएंगे, वेबसाइट से उसका ताल्लुक नहीं है। या आप ये कर सकते हैं कि फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं सिस्टम में से जाके। तो वो जब कोई वेबसाइट खोलते हैं उस पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। कैसे इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि जो बॉडी का साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो वो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो असल में क्या होता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ता है। अच्छा, क्या वेबसाइट पे पड़ता है भाई आपके, होता ही है। जैसे अभी मैं इमेजिन करूँ यहाँ पे आया, अब देखो अभी ये जो होम लिखा हुआ है ना,
और इसके सराउंडिंग में जो जगह है वो सही लग रही है, लेकिन सम हाउ अगर इमेजिन करो इसका 16 पिक्सल की जगह इसका साइज़ 32 पिक्सल कर दे कोई आ गया, तो अपने कंटेनर के या तो दीवारों से चिपक जाएगा वो, यही होगा ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बजाय पिक्सल यूज़ करने के हम EM या REM का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उससे होता ये है कि अगर सिस्टम की सेटिंग का कोई इम्पैक्ट आता है ना आपकी वेबसाइट पे, तो साथ साथ यानी अगर आपकी वेबसाइट के फॉन्ट का साइज़ बड़ा होता है सम हाउ, तो आपके जो डब्बों पे जो पैडिंग और मार्जिन लगी हुई है ना वो भी साथ साथ ग्रो करती है। ये नहीं होता कि फॉन्ट बड़ा हो गया और डब्बा उतना ही छोटा है, ये नहीं होता, सही है। तो रिस्पॉन्सिव तो है, जिसने कहा था रिस्पॉन्सिव वो सही है, लेकिन दिस रिस्पॉन्सिव इज़ लिटिल डिफरेंट। वो लिक्विड डिज़ाइन की बात नहीं हो रही, वो लिक्विड वाली की जी, वो यानी फ्लैक्स बॉक्स में जो रिस्पॉन्स है वो अलग है और ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा भाई, अब यहाँ तक तो हो गया जी। अब देखो एक मसला है, एक मसला ये है कि ये देखो स्ट्रेच करके इसको बड़ा कर रहा है, अब इसका क्या हल है? अच्छा, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इसको स्ट्रेच करके बड़ा इसलिए कर रहा है कि इस डब्बे में दूसरा आइटम बड़ा मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ तक का काम इतना ना हो गया हमारा, लेआउट से रिलेटेड काम ज़ाहिर है अब तो मैं बॉर्डर रेडियस भी लगाऊंगा, फिर मैं कुछ और भी कलर शलर दूंगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन लेआउट वाला काम यहाँ तक हो गया है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं छेड़ना चाहूँगा मज़ीद। अच्छा, इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो ये बड़े गौर से इसको समझना, ये फ्लैक्स बॉक्स है इस वक्त, इसके अंदर ये एक चिल्ड्रन है, चाइल्ड है इसका, ये एक चाइल्ड है, ठीक है, टोटल इसके दो चाइल्ड हैं। इस फ्लैक्स बॉक्स का जो कंट्रोल है ना वो सिर्फ अपने इन दो चाइल्ड्स तक रहेगा, इसके अंदर वालों पे नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो सेकंड चाइल्ड है ना मेरा, ये देखो जिसको मैं इस वक्त ये सेलेक्ट करके खड़ा हूँ, ये मेरा नेविगेशन बार है, ये खुद एक आइटम है, ये खुद एक आइटम है फ्लैक्स बॉक्स का। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको आइटम होने के साथ साथ मैं बोलूँगा कि भाई तू भी एक फ्लैक्स बॉक्स, सही है। जैसे क्या होता है कि आप सब लोग अपने अपने अब्बू के चाइल्ड हैं, है ना, पहले या दूसरे या तीसरे चाइल्ड आप हैं। अच्छा, लेकिन थोड़े दिनों में क्या होता है, फिर आप ख़ुद एक अब्बू बन जाते हैं, इंशाल्लाह आप सब बनेंगे, आमीन बोलो तो आपके चाइल्ड होते हैं फिर। तो अब इसको हम क्या बनाने लगे हैं, अब इसको हम बनाने लगे हैं अब्बू। अच्छा, अब्बू बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, नैव पे जाके ना, इस पे ये है एक आइटम, लेकिन इसको हम बोल देंगे कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद भी एक अब्बू बन जाएगा। अच्छा, अब इसका जो कंट्रोल है ना, यानी जब आप अब्बू बनेंगे तो आपका कंट्रोल अपने बच्चों पे होगा, तो इसका भी कंट्रोल अपने बच्चों पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बच्चे कौन है भाई, इसका एक ही चाइल्ड है UL जिस पे इसका कंट्रोल है। तो अच्छा, क्लास का टाइम हो गया ख़त्म हमारे। अच्छा, तो ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इस डिफ का जो कंट्रोल है वो तो सिर्फ इस UL पे है, अब हमें तो इस LI को सीधा करना है ना, ये तो हुआ ही नहीं, तो हम इस UL को भी जाके क्या कर देंगे, अब्बू बना देंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या बोलूँगा, डॉट नेव, और उसके अंदर जो है ना जो UL है उसको बना दो। अब जल्दी जल्दी करते हैं यार, टाइम क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया है। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगा, ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा, अब देखो कौन सा हो गया, ये सारे ही फ्लैक्स बॉक्स बन गए। अच्छा, शायद मुझे इस वाले को नेव को फ्लैक्स बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, मुझे इसको फ्लैक्स बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसके वो कराना है ना, हाँ, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो सही था अपनी जगह। अच्छा, अब इस UL के ऊपर मुझे कुछ चीज़ें और भी लगानी है, क्या लगाना है जी, लिस्ट स्टाइल इसका जो है ना उसको मैंने करना है नन, जिससे ये मेरा वो गोल गोल इसके डब्बे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ मैंने क्या देना है, इसको हर आइटम मुझे अलग अलग दिखा रहे हैं ना अगर, तो मैं क्या करूँगा, UL के अंदर एक LI है ना जो, उसको क्या दूँगा, बैकग्राउंड कलर दूँगा, ठीक है, कुछ मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है, गोला गंडा कलर मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सही दिखे, ठीक है, ग्रीन कलर मैंने इसको दे दिया, और ग्रीन कलर देने के साथ साथ मैं इसको क्या दे देता हूँ, कुछ पैडिंग दे देता हूँ, मैंने कहा कि जी 1 REM, इसको मैंने ये पैडिंग दे दी, थोड़ा बड़ा हो गया ये। अच्छा,
अच्छा ये बार वाले पे भी कुछ पैडिंग है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, डबल डबल पैडिंग हो रही है। हाँ इसको इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। ये किस पे है? ये यू एल के ऊपर लगा हुआ है। यू एल के ऊपर मुझे मार्जिन और पैडिंग जो है ना ज़ीरो करनी पड़ेगी। सही है, वो मार्जिन पैडिंग ज़ीरो हो गई। ये हमारे पास क्या आ गई, एक वेबसाइट की ना एक शक्ल बन के आ गई, एक शेप बन के आ गई। ये हमारा नेव बार जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अच्छा आप देखो यहाँ पे ना अभी भी एक हल्का सा ग्रे कलर का ना आ रहा है, क्योंकि मेरी जो इमेज है ना जिसको मैंने लोगो के तौर पे चिपकाया है तो वो स्टिल थोड़ी सी छोटी है, और ये हो गया स्टिल थोड़ा सा बड़ा। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, या तो मैं अभी स्ट्रेच हुआ भाई, या तो मैं टॉप पर कर दूँ या तो मैं बॉटम पर कर दूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई आप टॉप पर होगा, यानी इस क्या था ये जिस पर मैंने लगाया था, ये IMG है। हाँ ये लोगो है एक्चुअली, ये लोगो है एक्चुअली जिसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस लोगो पे आके बोलूँगा भाई क्या हो जाओ आप, अलाइन अलाइन आइटम्स, नहीं अलाइन आइटम्स तो उस पर लगता है, एक देख लेते हैं एक मिनट इसमें देख लेते हैं ना। अच्छा अलाइन आइटम्स करूँगा तो सारे जाएंगे ना, तो मैं सबको टॉप पे कर देता हूँ। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। यार ये तो वही नहीं, किसको नहीं बनाया डिस्प्ले फ्लेक्स। ओ यस अलाइन आइटम तो लगता है उसके ऊपर ना कंटेनर पे, तो इसके कंटेनर पे लगेगा ना, यहाँ हेडर पे लगेगा। ये अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, ये क्या चक्कर है भाई, सेव नहीं किया मैंने क्या? सब कुछ तो सही है, मैंने हेडर को बोला अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। अच्छा एक्चुअली लोगों को जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है इसकी मुझे ज़रूरत क्या है? बैकग्राउंड हटाऊंगा तो वो वैसे ही है तो टॉप पे ही, वो तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया ताकि आपको दिखे वो, ठीक है। तो वो मैंने बैकग्राउंड हटाया तो वो वैसे ही हट गया अपनी जगह पर ही। नहीं हाइट मैंने इसको दी हुई है, मैंने इसको ना यहाँ पे देखो 70 पिक्सल इसको विड्थ दी है ना, तो ऑटोमेटिकली हाइट को ये एस्पेक्ट रेशो में ले रहा है, ठीक है। अच्छा यार आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तो आपको समझ आ गया है कि ये वाला जो बाकी का काम यहाँ पे हुआ है ना ये आप कर लेंगे होपफुली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने तो भाई CV वाली वेबसाइट नहीं बनाई तो वो बना लेना प्लीज़, और उसमें ये फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर लेना, क्योंकि उसमें भी तो ये होता है ना एक तरफ फ़ोटो दूसरी तरफ पैराग्राफ, ऐसे ही करके आप लगा रहे होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने CV वगैरह बना लिया निमट गया तो वो भाई ऐसा एक लेआउट बना लेना, ये जितनी भी वेबसाइट होती है क्लासिक उसमें लेआउट इसी तरह का ही होता है, इसको एक दफ़ा अपने हाथ से बना लेना, कहीं स्टक हो तो फिर अगली क्लास में देख लेंगे। जी जी कर सकते हैं, लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं डिव की जगह टेबल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि टेबल में कंट्रोल आपका बहुत कम होता है, जो डिव में जिस तरह ये फ्लेक्सिबल कंट्रोल है ऐसे टेबल में कंट्रोल नहीं मिलता आपको, ठीक है जी। चलें अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।